दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है कि बेरोजगार परिवार के एक सदस्य को जो है रोजगार से जोड़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश कर दिया है कि गाजीपुर में कहा है कि राजेश्वर सिंह की प्रतिमा का जो है अनावरण करते हुए उन्होंने कहा है कि जो है हर परिवार को कम से कम एक नौकरी तो मिलनी चाहिए। और लिखा गया देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाजीपुर में जो है पीजी कॉलेज परिसर में बाबू राजेश्वर सिंह की जो प्रतिमा पर पुष्प जो है अर्पित करते मुख्यमंत्री जी। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जो है अगले 5 वर्षों में हम एक परिवार को नौकरी जरूर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखते हैं कि जौनपुर सीएम की सुरक्षा में चूक, 8 पुलिसकर्मी जो है वो इसमें निलंबित हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि इसमें डबल इंजन सरकार पर किसी खड़का, यानी मतलब कि डबल इंजन सरकार हर किसी के साथ खड़ी हुई है, कहने मतलब हर इसमें हर परिवार को एक रोज़गार मिलेगा। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम जी को ट्वीट करने पर पुनर्परीक्षा की मांग, ये एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती की बात हो रही है। और यहाँ पे जो बताया गया देख सकते हैं कि परीक्षा नियामक पीएनपी के कार्यालय में शुक्रवार को भी जो अभ्यर्थियों ने जूनियर एडिट जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में अनियमितता के विरोध में जो प्रदर्शन किया हुआ है। युवा मंच के अध्यक्ष जो है अनिल सिंह ने सीएमजी को जो है उन्होंने ट्वीट करके जो पुनर्परीक्षा की मांग की है। और करा गया है, कहा गया है कि अनिल सिंह ने कहा है कि परीक्षा को लापरवाही, इसमें ईमानदारी और नकल माफिया जो है इसमें शामिल है। कहना मतलब क्या, ये उन्होंने परीक्षा की मांग के लिए जो है बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और भी इनके साथ में जो है कर्मचारी जो है खड़े हुए और जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है एक परिवार को रोजगार देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि तंगी से परेशान शिक्षा मित्र ने जो है ट्रेन से कट कर दी जान। यहाँ पे देख सकते हैं तंगी से परेशान, सरकार की गलत नीतियों को बताया जिम्मेदार, और वो जो है शिक्षा मित्र कहाँ का रहने वाला, लिखा हुआ गांव मिर्जापुर बेला निवासी का शिक्षा मित्र जो 45 वर्ष का है, इन्हें ट्रेन से कट कर जान दी। इन्होंने कहा है कि जो है कि इसमें जो है इसमें 10,000 रुपये में उसका खर्चा, घर का जो खर्चा नहीं चलता, इसलिए जो है उसने ऐसा किया। और वही चीज़ यहाँ पर भी देखो बताई गई कि 10,000 रुपये के मानदेय में गुजर नहीं बसर हो रही है। कहने मतलब कि घर का परिवार का खर्चा जो है वो नहीं चल रहा, जिसमें उसने लिखा है। एक पेपर भी मिला गया, उस पेपर में जो है उनको बताया गया है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पिछड़ी जातियों की संख्या के लिए जो है रैपिड सर्वे शुरू हो चुका है, परीक्षक व कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी तैनाती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बार्डो पे, और यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी तैनाती जो है। इसमें लिखा हुआ कॉलम नंबर 5 में ब्यौरा भरा जाएगा, इसमें जोन के। इसमें लिखा हुआ कि नगर निगम चुनाव के लिए बार्डो में पिछड़ी जातियों की संख्या जो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ हैं, इनको जो है इनकी संख्या को इसमें बताया जाएगा। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 12 अभ्यर्थियों के आवेदन जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आचरण पद्धति इंटर कॉलेज में जो है 2021 में सफल अभ्यर्थियों के जो संबंध में महत्वपूर्ण सूचना निर्णय लिया गया है। उनकी अहर्ता जो पूरी नहीं थी, उनके जो है आवेदन पूरी तरीके से 6 अभ्यर्थियों के निरस्त कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा 11 अक्टूबर से ली। इसमें जो लिखा गया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ एआरओ की जो परीक्षा जो है कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा के लिए 11 अक्टूबर से होगी। और सचिव आलोक कुमार के मुताबिक जो है यह परीक्षा 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा में संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन कर दिया गया है, कल इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि नियुक्ति की मांग को लेकर जो है शिक्षा निदेशालय पहुँचे अभ्यर्थी, ये 69,000 की बात चल रही, 68,000 की बात चल रही। ये जो है नीलू राधा, ये सब जो हैं 69,000 शिक्षक हैं, ये जो हैं मुख्यमंत्री जी के पास जल्द जाएंगे यदि यहाँ से इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग, यहाँ पे जो दुरुस्त बीटीसी वाले जो हैं इनकी जो मांग बढ़ने वाली है। अब इनका जो वेतन जो है सरकार ने बोला था कि जो है इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो है 17,000 के आसपास या जो 20,000 के आसपास करने की मांग, 10,000 में घर का जो खर्चा नहीं चल पाता है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई क्लर्क ग्रेड के जो है 5,484 पदों के लिए आवेदन 27 तक जो है लिए जाएंगे। लिखा हुआ कि ऑनलाइन मांगे गए इसमें जो आवेदन नवंबर में प्रस्तावित है, प्रारंभिक परीक्षा मेंस दिसंबर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि बैंक की जो है परीक्षाएँ होती हैं उसमें प्रतियोगी जुट रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जो है क्लर्क ग्रेड की जो है
5,484 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें 631 पद जो है प्रदेश में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 सितंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद जो SBI में आपको जो है एक चपरासी भर्ती भी आने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि जल्द खुलेंगे नए 91 प्राथमिक शिक्षक। तो सीधी बात क्या, 91 जब प्राथमिक स्कूल खुलेंगे तो शिक्षकों की भर्ती होगी, स्कूल को खाली तो चलेंगे नहीं। तो राज्य सरकार के प्रस्ताव पर जो है केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्देश जो है वो जारी कर दिए, कहाँ पर यहाँ पर खोले जाएंगे कॉलेज, यहाँ बहराइच, बरेली, बिजनौर, बदायूं, यहाँ पर जो स्कूल खोले जाएंगे प्राथमिक स्कूल। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर लिखा हुआ कि महारानी जो है कि सम्मान में एक भारत में एक दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक है, मतलब ये बात चल रही है इसमें जो है भारत सरकार ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के जो है ये द्वितीय है एलिजाबेथ इसमें जो इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, ये है जो मर गई हैं, तो इनका जो है 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक करने का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान जो है सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रध्वज आधा को झुकाया जाएगा, साथ ही जो इसके सम्मान में आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दूरस्थ ऑनलाइन और पारंपरिक डिग्री सामान्य होंगी। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डिग्री होगी परंपरागत डिग्री के बराबर, ये UGC का निर्देश है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये देश के लाखों तादाद में जो है ऑनलाइन डिग्री लिए बैठे जो अभ्यर्थी उनके लिए खुशखबरी है, अब इनकी डिग्री जो है उनके परंपरागत डिग्री के बराबर मान्य होगी, कोई जो है किसी तरीके कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ऑनलाइन इन्होंने बोल दिया है। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचारियों की जब्त करेंगे 7 पीढ़ियों की कमाई। यहाँ पे योगी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है जौनपुर में कहा पिछली सरकारों के जींस का हिस्सा है ये भ्रष्टाचार। इनके सम्मान में लिखा हुआ है कि जो है PM श्रेष्ठ भारत बनने के लिए संस्कृति। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की हम जो 7 पीढ़ी की जो संपत्ति है वो जब्त कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ CUET UG प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी गई है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अपनी जो है उत्तर कुंजी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पे देख सकते हैं, 2 महीने बाद 4,000 शिक्षकों की भर्ती होगी तैनाती, इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है, इसमें MRC शिक्षकों का मनचाहे तबादला, यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग शुरू हो रही है। शिक्षक पुरस्कार पाने के लिए 4 स्तरों पर देना होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू, अगर आपको शिक्षक पुरस्कार मिलेगा तो अध्यापक पुरस्कार की गाइडलाइन जारी करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। JEE भर्ती 18 की प्रतीक्षा सूची का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लिखा हुआ है कि प्रयागराज, आगरा, झांसी में जो है इन्होंने मंडल में तैनाती कर दी गई है। 10वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, और ये बात हो रही है CBSE की, इसकी जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, इसमें जो 10वीं की जो है कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी तादाद में शिक्षकों के पद खाली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 स्कूलों में नहीं सुनाई देता करकराहा, मतलब क्या स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, 229 विद्यालय ऐसे जहाँ पे जो है केवल शिक्षा मित्र स्कूल चला रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे लिखा हुआ, परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब तलब। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या है मानक के प्रोटोकॉल। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भर्ती आपके यहाँ से निकल ना जाए, कोई सूचना आपके यहाँ से छूट ना जाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।